कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो चीजें पढ़ी थी उसको आज हम क्या करते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हम लोग ने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे वृत्त। क्या पढ़ा था हम लोग ने, वृत्त जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। फिर क्या पढ़ा था हम लोग ने, केंद्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। फिर हम लोग ने पढ़ा था त्रिज्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। फिर हम लोग ने पढ़ा था जीवा जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। फिर हम लोग ने पढ़ा था व्यास जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो इन सारे को हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त के माध्यम से समझ लेते हैं, एक आकृति के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए, तो इसकी जो स्थिर बिंदु होती है, जैसे जिसको मैं मानता हूं ओ, तो बताइए सारे बच्चे ओ क्या होगा, ओ जो है स्थिर बिंदु, वो क्या है इस वृत्त की, इस वृत्त की ओ क्या है, इस वृत्त की ओ जो है केंद्र है, वो क्या है इस वृत्त की केंद्र है, सेंटर है, क्या है सेंटर है, ठीक है केंद्र है। चलिए अब आती है बात की त्रिज्या क्या होती है। तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है, त्रिज्या जो होती है केंद्र से वृत्त पर स्थित कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, केंद्र से वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पे ए है तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, यानी ओए क्या होगी आपकी, ओए आपकी हो गई त्रिज्या। तो सही बात बताएंगे एक बार चैट बॉक्स में कि वृत्त के पास कितनी त्रिज्याएं होती हैं, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनलिमिटेड अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं जिसके कोई गिनती नहीं है, क्योंकि वृत्त जो है अनगिनत बिंदुओं के समूह से मिलकर बना होता है। तो वृत्त के पास बहुत सारी अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए, हमें केंद्र समझ में आ गया, हमें त्रिज्या समझ में आ गया, अब आता है बात जीवा का। तो जीवा सभी बच्चों को याद रहना चाहिए और सभी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। देखिए, जीवा जो होता है वृत्त, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया जिसे इसको मानते हैं बी लिख देते हैं, दूसरा बिंदु मानते हैं ये हो गया जिसे मानते हैं सी। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो यानी यहाँ पे जीवा क्या होगी, जीवा होगी आपकी, जीवा क्या होगी आपकी, बीसी। बीसी क्या होगी आपकी, जीवा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जीवा क्या होता है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। कंडीशन क्या है कि जो बिंदुए होनी चाहिए वृत्त पर होनी चाहिए, जो बिंदुए होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, वह वृत्त पर होनी चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं जीवा। चलिए, इस प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि एक वृत्त के पास कितनी जीवा होती है, एक वृत्त के पास कितनी जीवा खींची जा सकती है, एक वृत्त के पास कितनी जीवा खींची जा सकती है। बहुत बढ़िया, एक वृत्त के पास अनगिनत जीवा खींची जा सकती है, क्योंकि वृत्त के पास बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु यहाँ ले लिए, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी जीवा कहलाएगी, ये भी आपकी जीवा कहलाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आता है बात की व्यास किसे कहते हैं, अब आता है बात की व्यास किसे कहते हैं। तो व्यास किसे कहते हैं सर्वज बताएंगे, व्यास जो होता है एक ऐसी जीवा होती है, व्यास जो होती है ऐसी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे इसके मान लेते हैं ई और यहां बोल दिए एफ। ठीक है, और ये केंद्र क्या था, ओ था। तो बताइए व्यास क्या होती है, व्यास होती है जो सबसे लंबी सबसे बड़ी जीवा होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलिए व्यास जो होती है सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं हम लोग व्यास, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उससे हम लोग कहते हैं व्यास। तो यहाँ पे व्यास कौन सा है, यहाँ व्यास है ई एफ। ये क्यों व्यास है कि ये सबसे बड़ी जीवा है और ये केंद्रा से होकर गुजर रही है, तो ये केंद्रा से होकर गुजर रही है। ठीक है,
व्यास मतलब डायमीटर किसे कहते हैं? ये डायमीटर जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब ये है, चलिए इसमें भी अच्छे से बता दूं आपको कि अगर कोई एक व्यास होता है, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक अगर ये व्यास की लंबाई है, तो मान लो अगर यहां से यहां तक अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर मैं पूछूं कि त्रिज्या कितनी होगी इसकी, चलिए बताइए। सारे बच्चे बताएंगे कि इस वृत्त की व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या क्या होगी? इस व्यास की आधी होगी, क्योंकि त्रिज्या दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनता है, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, है ना। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में आ तक बहुत भी, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा गया है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कहाँ दीजिए उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन क्या है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या बतानी है। अभी अभी मैंने बताया कि वृत्त की जो जीवा होती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा को हम लोग कहते हैं व्यास। सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। यानी यहाँ व्यास की लंबाई दी है आपको 8 सेंटीमीटर और आपको त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब मान लीजिए अगर एक वृत्त दिया हुआ है, तो इस वृत्त की आपको व्यास की लंबाई दी हुई है कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मेरे अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। ठीक है, तो मैं एक बार उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एक भी बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो इस प्रश्न का उत्तर गलत किए हैं, लेकिन लेकिन अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है सही किए। देखिए यहाँ से यहाँ तक व्यास जो है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें पता है व्यास जो होता है दो त्रिज्या को मिलकर बनती है, यानी ये व्यास 8 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, यानी ये हो जाएगा 8/2, मतलब कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आया समझ में सारे बच्चों को? चलिए तो देखिए, इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या किया था? इसी से संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। तब सारे बच्चे क्या करेंगे? अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? अपना होमवर्क वाला जो वर्कशीट है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं होमवर्क आपका, जिसमें कि सबसे पहला प्रश्न वाली है, प्रश्न वाले 1.1। कैसे होमवर्क हम लोग डिस्कस करते हैं? तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे? मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न वाली 1.1, प्रश्न वाली 1.2, प्रश्न वाली 1.2। चलिए 1.2 में बताते हैं एक बार। देखिए 1.2 जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे बोल रखा है कि निम्नलिखित में से वृत्त एवं त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वृत्त। तो देखिए वृत्त कौन सा? एक एक हो गया ये पहला वृत्त, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। मतलब इस वृत्त के पास कितनी वृत्त की संख्या है बताइए सर बच्चे? कितनी है? 5। चलिए इसी प्रकार सारे सर बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि वृत्त इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे कितने त्रिभुजों की संख्या है? देखिए कौन कौन सा है? एक हो गया, एक, दो,
और ये हो गया चार। तो कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज हैं चार। चलिए इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे चतुर्भुज की संख्या कितनी है, यहाँ पे चतुर्भुज की संख्या कितनी है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चतुर्भुज क्या होता है? ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो। जल्दी बताएंगे इस आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि इस आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है। देख लेते हैं, चलिए एक दो तीन चार पांच और ये हो गया छह। तो टोटल कितनी है चतुर्भुज की संख्या? छह। ठीक है, बहुत मतलब सारे बच्चों समझ में आ गया है कि चतुर्भुज कितनी है, छह। तो ये था आपका प्रश्न वाली 1.2। इसी प्रकार प्रश्न वाली 2.1, प्रश्न वाली 2.1। चलिए प्रश्न वाली 2.1 में क्या करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से करता हूँ। प्रश्न वाली 2.1, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। कोई डाउट नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट थे, क्वेश्चन नंबर 5 बता। चलिए ध्यान दें, क्वेश्चन 5 बता। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा पहले, ये मैं एक सवाल बता। देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार एक और वृत्त मैं ले लेता हूं, ये एक वृत्त हो गई, इसकी मैं त्रिज्या मान लेता हूं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये पता होगा कि जो ये अंदर वाला वृत्त होगी इसकी जो त्रिज्या होगी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या से छोटी होगी या बड़ी। अगर छोटी होगी तो आप लोग एल टाइप कीजिए, एल टाइप कीजिए। अगर बड़ी होगी तो आप लोग डी टाइप कीजिए। आपको ये बताना है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या से छोटी होगी या बड़ी होगी। छोटी होगी ना, यानी देखिए ये हो गया अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या और ये होगी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए तो 5 जो है 6 से छोटा है, यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हमेशा छोटी होगी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या से। तो सेम उसी प्रकार वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृत्त एक, मान लीजिए ये अंदर वाला जो है वृत्त एक है और बाहर वाला जो है वृत्त दो है। ठीक है, इसमें ओ एफ, ओ एफ कहाँ? देखिए यहां से लेकर यहां तक ओ एफ हो गया, यानी ये अंदर वाला वृत्त मतलब छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या है। ओ एफ क्या हो गया? छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और ये ओ जी, ओ जी देख लेते हैं। देखिए ओ जी जो हो गया आपकी बाहर वाला वृत्त मतलब यहां से लेकर यहां तक। आप बताइए ओ एफ और ओ जी में से कौन बड़ा होगा? चलिए आपको यहाँ बोल रखा है ओ एफ बराबर दिया है ओ जी, क्या ओ एफ ओ जी के बराबर होगा? अगर बताइए, अगर ये बराबर होगा तो वाई टाइप कीजिए, अगर ये बराबर नहीं होगा तो एन टाइप कीजिए। अगर ये बराबर होगा तो वाई टाइप कीजिए, अगर बराबर नहीं होगा एन टाइप कीजिए। हाँ ये बराबर नहीं हुआ क्योंकि देखिए ओ जी जो है खुद ओ एफ प्लस एफ जी के बराबर है, यानी देखिए कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही होगा क्योंकि ओ एफ जो है ओ जी जो है बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या है, तो बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या हमेशा अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो कथन जो है ये असत्य कथन है, ये असत्य कथन है, नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों को समझ में। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 3.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न वाली 3.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चल मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ एक बार, चल मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रखा है आपको कि वृत्त की व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए ये वृत्त की व्यास दिया हुआ है। क्या दिया है? ये व्यास की लंबाई दिया हुआ है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या पूछा गया। चलिए बताइए सर बच्चे जल्दी जल्दी कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अगर व्यास इसकी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। बहुत मतलब सारे बच्चों को पता चल गया कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होगी। तो व्यास कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया 10/2, तो कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सरल, देखिए एक बता दें अभ्यंतर बोला है, मतलब वृत्त के अंदर वाले अंदर कौन सा है? अंदर सी है, तो अभ्यंतर हो गया सी।
वही मतलब क्या होता है, बाहर वाला तो कौन सा हो जाएगा, ए और बी, क्या हो जाएगा, ए और बी। उस प्रकार देखिए यहाँ पर अभ्यंतर बोला था, अभ्यंतर कौन कौन सा, एफ और ई, ये हो गया एफ और ये हो गया ई, वही मतलब क्या होता है बाहर वाला, तो ये हो गया जी। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाले 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कोई डाउट नहीं। चलिए हम, मेरा एक डाउट है क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए सर बच्चे। चलिए मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ ध्यान से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 1 है, क्या ये सही स्टेटमेंट है, क्या ये सत्य स्टेटमेंट है। अगर सत्य है तो टी टाइप कीजिए, अगर असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। अगर ये सत्य है तो टी टाइप कीजिए, अगर असत्य है तो एफ टाइप कीजिए। बहुत नहीं, देखिए यहाँ पे बोल रखा है अभ्यंतर में जी और एस है, नहीं अभ्यंतर में क्या है, ये तो बाहर है, यानी ये जो है असत्य कथन है, ये जो है असत्य कथन है। चलिए इसी प्रकार बताइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या सही कथन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या सही कथन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या सही कथन है। अगर सत्य है तो वाई टाइप कीजिए, असत्य है तो एन टाइप कीजिए। बहुत नहीं, ये सत्य कथन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रखा है, बहुत नहीं यहाँ बोल रखा है, देखिए नहीं बोल रखा है। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वही भाग में ई ओ एन नहीं है। हाँ दिख दिख रहा है कि बाहर ये ई ओ एन नहीं है, यानी ये जो है सत्य कथन है। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों को समझ में। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और उस महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने से पहले हम लोग सीख लेते हैं पहले दीर्घ और लघु का मतलब, दीर्घ और लघु का मतलब। चलिए सारे बच्चे बताएंगे दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। देखिए दीर्घ का सरल भाषा में हम बड़ा बोल देते हैं, हाँ ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, हाँ लॉन्ग बोल दीजिए, ठीक है लॉन्ग होता है, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। लघु का मतलब क्या होता है, लघु मतलब होता है छोटा, स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना चाहिए कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, मतलब लॉन्ग, ऐसे सरल भाषा में समझ लीजिए। लघु मतलब क्या होता है, छोटा मतलब स्मॉल, ठीक है। अगर ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई, जैसे मान लेते हैं कि बताइए 10 बड़ा है या 5, 10 5 में कौन बड़ा है, 10 और 5 में कौन बड़ा है, 10 और 5 में कौन बड़ा है, 10, देखिए तो ये हो गया 10, 10 जो है ये बड़ा है और 5 जो है छोटा है, ठीक है इतना समझ में आ गया। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 10 जो है दीर्घ है और 5 जो है आपका लघु, 5 जो है आपका लघु है ना। चलिए लेकिन यहां तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त, तो वृत्त में ही हम लोग को देखना है दीर्घ और लघु, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं हम लोग दीर्घ एवं लघु चाप, क्या बोला है, चाप मेजर एवं माइनर आर्क। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, आपने समझ लिया दीर्घ क्या होता है, लघु क्या होता है, अब आपको समझना है चाप क्या होता है, क्या समझना है चाप क्या होता है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, वृत्त के भाग कोई भी, मतलब कि अगर कोई भी दो बिंदु लीजिए, मान लीजिए कि कोई एक वृत्त बनाता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई वृत्त है और वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, ये देखिए वृत्त के दो बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इनके बीच के भाग, तो मान लीजिए कि अगर हम लोग इनको अलग अलग करते हैं, अगर हम इनको अलग अलग करते हैं तो ये होगा, ये ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा और ये नीचे वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए एक बिंदु ये था P, एक बिंदु ये गया Q, उसी प्रकार देखिए एक बिंदु ये हो जाएगा। माइक ऑफ रखेंगे, रमेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है आपको माइक ऑन हो रहा है, आप लोग अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है ध्यान से समझेंगे, सही बच्चों का ध्यान क्या रखना चाहिए, स्क्रीन भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ वही मैं आर्क समझा रहा हूँ, चाप समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वृत्त का भाग होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया वी और ये हो गया क्यू, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, चलिए हो गया। देखिए तो देखिए ये वृत्त के भाग होते हैं, तो इससे हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं चाप, इसे क्या कहेंगे हम लोग चाप, इसको ही कहते हैं हम लोग चाप, समझ में आ गया। मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, मतलब वृत्त को काट दीजिए कहीं से, काट मान लीजिए हम लोग यहाँ पे, हाँ ठीक है मैंने उनको हटा दिया,
जिन बच्चे की तरफ से मुझे आवाज आ रही थी मैं उनको क्लास से बाहर कर दिया। मैंने पहले ही बोल रखा है कि अगर हम लोग क्लास करते हैं तो बीच में आपको माइक ऑन नहीं करना है, इससे क्या होता है सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, क्लास अच्छे से नहीं हो पाती, तो किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त को कहीं से काट, मैंने काटेंगे कैसे, जिस मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, जिस मान लीजिए ये हो गया, ये बी हो गया, तो इसको दो भाग कर दिए, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो जाएगा नीचे, एक भाग नीचे वाला हो जाएगा, तो इसे कहेंगे हम लोग चाप। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं चाप या आर्क बोलते हैं। अगर सारे बच्चों को ये चाप आर्क समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये चाप आर्क समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सब बच्चों समझ में, देखिए चलिए देखिए, तो ये एक नीचे वाला जो भाग होगा इससे कहेंगे हम लोग चाप, मतलब इस पर दो चाप होगा, एक चाप ये हो गया, दूसरा चाप ये हो गया, ठीक है। यानी किसी भी वृत्त को अगर हम काटते हैं तो इस पर दो चाप बनता है, एक चाप ये हो गया, दूसरा चाप ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जब दो चाप बनता है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो छोटा वाला क्या कहेंगे, देखिए तो जो छोटा वाला होता है उसे कहते हैं हम लोग लघु चाप, और जो बड़ा वाला होता है उसे कहते हैं हम लोग दीर्घ चाप। अब ये पता कैसे चलेगा, चलिए देख लेते हैं, ये पता कैसे चलेगा हम लोग को देख लेते हैं, ये पता कैसे चलेगा हम लोग, चलिए देख लेते हैं। चलिए ध्यान देखिए, चलिए मान लीजिए कि क्या था, एक ये वृत्त था है ना, ये वृत्त था और इस वृत्त के पास दो बिंदु, एक बिंदु ये मान लेते हैं और दूसरा बिंदु ये मान लेते हैं, ठीक है। और इन दो बिंदुओं से हम लोग इनको अलग अलग करते हैं, तो एक अलग करेंगे तो एक ऊपर वाला हो जाएगा, देखिए एक ये जाएगा ऊपर वाला है और एक हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो आप बताइए, चलिए आप बताइएगा, चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, चलिए ए बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन, इसको हम लोग बोलेंगे दो, ठीक है। चलिए आप बताइए, वन और दो, वन जो है बड़ा है मतलब दीर्घ है, अगर दीर्घ है तो डी, देखिए मैं यहां लिख देता हूँ, दीर्घ है तो डी टाइप करना है, अगर लघु है तो एल टाइप करना है, वन वाली जो आर्क है दीर्घ है तो डी टाइप करना है, लघु है तो एल टाइप करना है, क्या है दीर्घ है, यानी जो वन है वो क्या है दीर्घ है, यानी दीर्घ है मतलब ये दीर्घ चाप हुआ। उसी प्रकार बताइए दो जो है वो कैसा है, लघु चाप है या दीर्घ चाप है, अगर लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए और दीर्घ चाप है तो डी टाइप कीजिए। जो सेकेंड वाली जो चाप है वो लघु चाप है तो एल टाइप कीजिए, दीर्घ चाप है तो डी टाइप कीजिए, क्या है लघु चाप है, क्योंकि हमें पता है जो छोटा होता है उसे हम लोग कहते हैं लघु चाप। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहां तक, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में। चलिए देखिए अब आती है बात कि इसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। अब बहुत बच्चों को मन में प्रश्न आ रहा है सर कि इस तरह हम लोग बार बार कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसका मैं आपको नामकरण करना सिखा देता हूँ। क्या करता हूँ आपको इसका नामकरण करना सिखाता हूँ, देखिए तो हमेशा दीर्घ चाप में, हमेशा दीर्घ चाप में एक अलग से कोई हम लोग बिंदु ले लेते हैं, दीर्घ चाप में जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सी हो गया, तो दीर्घ चाप का नामकरण कैसे करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम लोग शुरू करेंगे ए से, कहाँ से शुरू करेंगे ए से, फिर कहाँ जाएंगे सी पे, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग बी पे, कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे हम लोग ए से, फिर कहाँ जाएंगे सी पे, फिर कहाँ जाएंगे बी पे, और ये वृत्त का भाग है तो इसके ऊपर हम लोग वृत्त का ऐसे एक भाग डाल देंगे, ऐसे चाप डाल देंगे, तो ये हो गया दीर्घ चाप, ये क्या हो गया है दीर्घ चाप। इसको कैसे लिखाएंगे, ए सी बी के ऊपर ऐसे एक चाप बना देंगे, तो ये हम बताएंगे कि ये दीर्घ चाप है, क्या बताएंगे, ये हमारी दीर्घ चाप है। उसी प्रकार लघु चाप के लिए क्या करना है, लघु चाप के लिए कोई हम लोग दूसरा बिंदु नहीं लेते हैं, इसके लिए हम लोग यही बोल देंगे ए से बी, क्या बोल देंगे ए से बी, ए बी, इसके ऊपर क्या करेंगे ऐसे एक चाप डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम उल्टा जा रहे हैं बी से जाएंगे बी सी ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ए बी है तो इसको हम लोग बी ए के ऊपर ऐसे चाप डाल देंगे, ठीक है। अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया कि
लघु चाप दीर्घ चाप को कैसे लिखते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, मैं क्या करता हूँ, एक प्रश्न और देते हैं। बताइए, यहाँ पर बताइए आप, ये जो दीर्घ चाप है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, कैसे इसको हम लोग दर्शाएंगे, कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, ये जो दीर्घ चाप है इससे हम लोग कैसे लिखेंगे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बता रहे हैं कैसे लिखेंगे, पी आर क्यू, कैसे लिखेंगे हम इसको, पी आर क्यू, और इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे चाप डालेंगे। ठीक है, आप ऐसे जाइए पी आर क्यू ऐसे, या आप उल्टा भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू से जाइए आप क्यू आर पी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू आर पी, क्यू आर पी, आप ऐसे ही बोल सकते हैं क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर चलिए इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि लघु चाप को कैसे ड्रॉ करेंगे, लघु चाप को कैसे ड्रॉ करेंगे, लघु चाप को क्या लिखेंगे, लघु चाप का लिखेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ भी जिससे आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए पी से कहाँ जाएंगे क्यू, तो पी क्यू के ऊपर ऐसे चाप कर दीजिए, या उल्टा लिख दीजिए क्यू पी के ऊपर ऐसे चाप कर दीजिए। आगे समझ में, हाँ दोनों दोनों से वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये नामकरण करना सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर ये नामकरण करना सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। बहुत ही सरल है नामकरण करना, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। आगे समझिए सारे बच्चों को। चलिए, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, तो बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर दोनों चाप समान हो, कहने का मतलब कि अगर दोनों चाप बराबर हो, मतलब कि दीर्घ चाप बराबर हो आपके लघु चाप के, तो फिर उसे क्या कहेंगे, फिर उसे क्या कहेंगे, मतलब जो ऊपर वाला चाप है या जो नीचे वाला चाप है, अगर वो दोनों बराबर होते हैं फिर उसे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं, उस प्रकार के चाप को कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल कहते हैं। मतलब देखिए इनको क्या कहेंगे, इनको हम लोग कहेंगे सेमी सर्कल। क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। समझ में आ गया, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे समझेंगे सारे बच्चों को। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है नीचे चित्र में एलएम क्या है, नीचे चित्र में एलएम क्या है। रमेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने आपको दो बार वार्निंग दे दिया है, फिर से मैं आपको क्लास में ऐड नहीं करूंगा, फिर से अगर आपने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास में ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, फिर आगे किसी क्लास में आप ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपना माइक म्यूट रखें और इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दे। ठीक है, तो क्या है, नीचे चित्र में एलएम क्या है, बताना है दीर्घ चाप है या लघु चाप है, तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए, मतलब जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, मतलब अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। देखिए यहाँ पे बोल रखा है एलएम, बोल रखा है, क्या बोला है एलएम, मतलब यहां से यहां तक के लिए बताना है, ये क्या है, ये हमारी है लघु चाप। क्या है ये, हमारी लघु चाप, ये हमारी क्या है, लघु चाप। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे बोला रहता है दीर्घ चाप, तो दीर्घ चाप के लिए क्या होता है, एक अलग से कोई हमें बिंदु दर्शानी पड़ती, अलग से मान लिया यहाँ पे बिंदु दर्शानी पड़ती। चलिए बताइए यहाँ पे दीर्घ चाप कौन सी है, जैसे बताइए सारे बच्चे चार बॉक्स में, यहाँ पे दीर्घ चाप कौन सी है, यहाँ पे दीर्घ चाप कौन सी है, जल्दी बताइए सारे बच्चे, यहाँ पे दीर्घ चाप कौन सी है, यहाँ पे दीर्घ चाप कौन सी है। चलिए कैसे देखेंगे, कहीं
मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, तो ये होगा एल आर एम, क्या होगा एल आर एम, एल आर एम या एम आर एल, है ना, आगे समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आपको बतानी है दिए गए चित्र में दीर्घचाप पी आर एस को किस प्रकार लिखा जाता है। मैंने लिखने का तरीका बता दिया आपको, बहुत ही सरल। देखिए दीर्घचाप बोला गया, लघु चाप नहीं बोला गया, दीर्घचाप बोला गया है। तो जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, तब तक उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे, एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। देखिए आपको बोला गया है दीर्घचाप पी आर एस को, तो कैसे करेंगे, ये हो गया पी बिंदु, ये हो गया एस बिंदु, हमको बना दीर्घचाप, कहां से स्टार्ट करेंगे, पी फिर होगा आर फिर होगा एस, इसके ऊपर या और क्या लिख सकते, और लिख सकते हम लोग एस आर पी। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके हैं दीर्घचाप, ये दोनों क्या है आपके दीर्घचाप। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन शॉट लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब चैट बॉक्स आपको ध्यान नहीं देना, कहाँ ध्यान देना है, स्क्रीन पे ध्यान देना। देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग, अभी हम लोग ने पढ़ा आर्क, जिसे हम लोग बोलते हैं चाप, तो हम लोगों ने पढ़ा दीर्घचाप लघुचाप। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड। अभी वृत्तखंड क्या होता है, चलिए ये वृत्त खंड क्या होता है, तो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। देखिए वृत्तखंड जो होता है जीवा और चाप, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं वृत्तखंड। चलिए मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए ये क्या है, चलिए मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ कि एक मैं आपको वृत्त बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक जीवा बना, मान लीजिए हो गया ए और एक हो गया ये बी, ये क्या है आपकी, ये आपकी हो गई जीवा, ये आपकी क्या हो गई जीवा, और देखिए जीवा हो गई, और एक चाप कौन सा होगा, चाप जो होगा आपको मान लीजिए ये हो जाएगा चाप, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगी आपकी चाप, ठीक है ना। मान लीजिए कैसी चाप है, तो ये आपकी लघु चाप है ना। तो देखिए तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सर बच्चे चार बॉक्स में, इसी को कहते हैं हम लोग वृत्त खंड, इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट, इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त खंड सेगमेंट। मैं यहाँ फिर से लिख भी देता हूँ, देखिए वृत्त खंड में क्या होता है, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, वृत्त खंड, उसे क्या कहते हैं, वृत्त खंड। अगर सारे बच्चों को ये वृत्त खंड समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे, आगे समझ में सारे बच्चों को, और सारे बच्चों को यहां तक समझ में, जल्दी जल्दी वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए अब, देखिए अब आता है बात की, एक होता है लघु वृत्त खंड और एक होगा दीर्घ वृत्त खंड, तो फिर किसे कहेंगे लघु वृत्त खंड और किसे कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। इसलिए मैंने आपको अभी भी चाप पढ़ाया, आर्क पढ़ाया, ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे किसे कहेंगे लघु वृत्तखंड और किसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। देखिए अगर लघु वाला चाप होगा, अगर लघु चाप मतलब कि अगर आपके पास लघु चाप और जीवा होगा, तो इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है, और अगर आपके पास दीर्घ चाप और जीवा होगा, ये हो गया आपका दीर्घ चाप, क्या है ये आपके पास दीर्घ चाप, तो इससे जो ये क्षेत्र होता है इससे कहेंगे हम लोग, जल्दी बताइए इसे क्या कहेंगे, चैट बॉक्स में बताइए क्या कहेंगे इसे हम लोग, कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, क्या कहेंगे इसे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड।
बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जीवा और लघु चाप के मध्य के जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, और जीवा और दीर्घ चाप के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, उसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। आगे समझ में, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए जीवा और चाप के जो मध्य होते हैं जो क्षेत्र, उसे कहते हैं हम लोग वृत्तखंड, उसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड जहां याद है वहां देखना है आपको कॉर्ड और आर्क के बीच के जो क्षेत्रफल होते हैं, जो एरिया होती है, उसे कहते हैं हम लोग सेगमेंट। मतलब कि जीवा और चाप के जो मध्य क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं वृत्तखंड। ठीक है, चलिए अब आती है बात की सर इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसका नामकरण कैसे चलते हैं, मैं नामकरण करने का भी सिखाता हूँ। देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जैसे आप चाप का नामकरण करते थे, उसे ही आपको यहाँ पे भी नामकरण करना है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमको यहाँ पे कोई एक बिंदु दे दिया मान लीजिए सी, और यहाँ पे एक बिंदु दे दिया एच। तो अगर हमको इस वृत्तखंड का नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे कहाँ कहाँ से जाएंगे, देखिए कहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से, ए सी बी ए एच, या ए कर दीजिए यहाँ पे फिर वहां वापस, ठीक है यहाँ पे कर दीजिए वापस, तो ये हो जाएगा आपके पास ए सी बी एच। आगे ए भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन एच वगैरह तो आप बोल सकते हैं कि क्या है, वृत्त खंड है। ठीक है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। तो कैसा वृत्त खंड है, तो ये आपका हो गया लघु वृत्त खंड, ये हो गया आपका लघु वृत्त खंड। अगर उसी प्रकार हमको दीर्घ वृत्त खंड के बारे में बोला गया तो क्या कहेंगे, इधर कोई एक बिंदु कर देंगे फिर उसका नामकरण कर देंगे, जिसमें बोल देंगे यहाँ पर कोई डी कर देते हैं तो बोलेंगे ए, फिर क्या होगा सी। चलिए आप टाइप कर बताइए, टाइप कर बताइए आप दीर्घ वृत्त खंड क्या होगा, दीर्घ वृत्त खंड का नामकरण बताइए क्या होगा, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में दीर्घ वृत्त खंड का नामकरण क्या होगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। देखिए क्या होगा ए सी बी और यहां से हो जाएगा डी और यह हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए सी बी डी, ऐसे बोल दीजिए हो गया आपका दीर्घ वृत्त खंड। मतलब ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। आशा करते हैं कि अभी सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा वृत्त खंड क्या होता है, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं वृत्त खंड। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीन शॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों को, चलिए अगर आपको सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को उत्तर कहाँ देना है, इस क्वेश्चन को उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है, आपको बताना है दिए गए वृत्त का जीवा, पहले जीवा बताना है, और उनके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न है, कौन सा जीवा है और कौन सा वृत्तखंड है। ठीक है, आपको इस प्रश्न को उत्तर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सबसे पहले क्या देखिए आप जीवा देख लीजिए, सबसे पहले क्या देखिए आप जीवा देख लीजिए, फिर उससे जो क्षेत्र, जो चाप, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र है उस वृत्तखंड का नाम लिख दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कहाँ देना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो सबसे पहले आप देखिए जीवा, जीवा कौन कौन सी है, फिर देखिए आप वृत्तखंड, तो वृत्तखंड का नाम लिखना आपको सिखा दिया मैंने, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 5 4 3 2 1। सभी बच्चों को ये ध्यान देना है कि जो जीवा और चाप के मध्य होती है उन्हीं को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, जीवा और चाप के मध्य जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को वृत्तखंड कहते हैं, अगर जीवा जीवा के बीच के मध्य क्षेत्र होते हैं उनको हम लोग वृत्तखंड नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बहुत बच्चे इस प्रश्न के उत्तर सही दिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जीवा, देखिए यहाँ पे कौन कौन सी जीवा है, तो पहला जीवा है आपका ईएफ, क्योंकि जीवा क्या होती है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं।
इसी प्रकार देखिए ये क्या होगा, ए बी भी आपकी क्या हो जाएगी, ए बी भी आपकी जीवा हो जाएगी। उसी प्रकार ये जो सी डी है, सी डी भी आपकी क्या होगी, सी डी भी आपकी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास तीन जीवा है, यहाँ पे हमारे पास तीन जीवा है। चलिए हम सारे जीवा के मध्य हम लोग देखते चलते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए बी, ए बी हमारा कौन सा जीवा है, ये वाला ए बी हो गई। और अगला क्या बोल रहा है, अगला बोला ए बी हो गया और ई हो गया एफ ई, ए बी एफ ई। कहने का मतलब ये है ये वाला क्षेत्र के बारे में बोल रहा है, मतलब इस क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। तो आप बताइए क्या ये वृत्त खंड है, अगर ये वृत्त खंड है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये वृत्त खंड है, नहीं है, क्योंकि वृत्त खंड क्या होता है, जीवा और चाप के मध्य। देखिए ये हो गया, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है, तो ये तो जीवा जीवा के मध्य हो गया, तो क्या ये वृत्त खंड होगी, ये वृत्त खंड नहीं होगी, यानी इसलिए ये ऑप्शन ए जो है गलत है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया होगा उनको अभी समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए क्यों गलत है, क्योंकि वृत्त खंड जो होती है वो जीवा और चाप के मध्य होती है, वो जीवा और चाप के मध्य होती है। ठीक है, इस प्रकार तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन, फिर देखते हैं हम लोग तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या, एडी। चलिए एडी देख लेते हैं, देखिए ये हो गया एडी। ठीक है, तो बताइए एडी तो आपका ये क्या जीवा है, ये तो जीवा ही नहीं, एडी तो जीवा ही नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया। फिर देखते हैं बीसी, क्या बीसी जीवा है, बीसी तो चाप है, बीसी तो चाप है, लेकिन हमको तो सबसे पहले जीवा देखना, तो ये जीवा नहीं है, डी ऑप्शन भी ऐसे ही गलत हो गया। अब बच गया आपके पास बी ऑप्शन, चलिए बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं ई एफ, सबसे पहले क्या देखते हैं ई एफ, देखिए ये हो गया ई एफ, हाँ ये आपकी क्या है, जीवा है, तो ये तो सीख है। अब देखते हैं जो वृत्त खंड का नामकरण किया गया, क्या सही नामकरण किया गया, देख लेते हैं। देखिए E, H, F, G, हाँ सही किया गया, क्योंकि देखिए ये तो हो गया जीवा और इनके साथ क्या है, इनके साथ ये जो है नीचे वाला चाप है, यानी जीवा और चाप के मध्य वाले को क्या बोलते हैं, जीवा और चाप के मध्य वाले को बोलते हैं हम लोग वृत्त खंड, जीवा और चाप के मध्य को क्या बोलते हैं, बोलते हैं वृत्त खंड। यानी इसकी वृत्त खंड क्या होगी, इसकी वृत्त खंड होगी ई एच एफ जी, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चे, मेरे अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया है, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो क्या कीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझो सारे बच्चों को। चलिए ये था वृत्त खंड। अब इसी प्रकार से एक होता है आपका सेक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। तो सारे बच्चे बताएंगे अब इसमें त्रिज्य खंड में क्या होगा, त्रिज्य खंड में क्या होगा सारे बच्चे, जैसे देखिए वृत्त खंड में क्या था, वृत्त खंड में था जीवा और चाप, जीवा और चाप के मध्य के क्षेत्रों क्या कहते हैं, वृत्त खंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। तो उसी प्रकार बताइए त्रिज्य खंड में क्या क्या होगा, त्रिज्य खंड में होगा त्रिज्या और चाप के मध्य के क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। फिर मैं रिपीट करता हूं, त्रिज्य खंड में क्या होगा, त्रिज्या और चाप के मध्य को क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड, त्रिज्या और चाप के मध्य को क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। देखिए देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया आपकी त्रिज्या, और ये क्या हो गई, ये भी आ गई आपकी त्रिज्या, और ये क्या है, ये आपकी हो गई चाप। तो त्रिज्या और चाप, तो मैं फिर से पढ़ लिख देता हूँ, देखिए त्रिज्या खंड क्या हो गया, त्रिज्या और चाप के मध्य जो क्षेत्र होंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे त्रिज्य खंड, उसे कहेंगे त्रिज्य खंड। हाँ वही दो रेडियस बोलिए, दो त्रिज्या बोल दीजिए, तो दो त्रिज्या और चाप के मध्य का जो क्षेत्र होंगे उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग त्रिज्य खंड, उसे कहेंगे हम लोग त्रिज्य खंड। आगे समझ में, अब देखिए अब यहाँ पे भी एक प्रश्न बनेगा आपके मन में आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न, देखिए मैं बता दूं, मान लीजिए कि ये हो गया वृत्त और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दो त्रिज्या बनाता हूँ, देखिए ये हो गया त्रिज्या, हो गया त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्या। अब आपके पास होगा दो चाप, एक ये चाप हो गया जिसे कहेंगे लघु चाप है ना, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे करते ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, चलिए और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा दूसरा दीर्घ चाप, दूसरा क्या हो जाएगा दीर्घ चाप। अब बताएंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे बताएंगे
इसको मैं बोलता हूँ वन और इसको मैं बोलता हूँ टू। तो वन कौन सा त्रिज्या खंड है? अगर वो लघु त्रिज्या खंड है एल टाइप कीजिए, अगर वो दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप कीजिए। वन कौन सा त्रिज्या खंड है? लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप कीजिए, दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, वन जो है लघु त्रिज्या खंड है, क्योंकि ये त्रिज्या और लघु चाप के मध्य है, त्रिज्या और लघु चाप के मध्य है, यानी वन जो है आपका लघु त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड है। चलिए इसी प्रकार बताइए, जो दो है वो कौन सा त्रिज्या खंड है? अगर लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप कीजिए, अगर दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप कीजिए। जो दो है कौन सा त्रिज्या खंड है? अगर लघु त्रिज्या खंड है तो एल टाइप कीजिए, अगर डी अगर वो दीर्घ त्रिज्या खंड है तो डी टाइप कीजिए। तो ये है दीर्घ त्रिज्या खंड, ये है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। आगे समझ में सारे बच्चों को? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी सारे बच्चे। आगे समझ में सारे बच्चों? चलिए अब आता है बात की इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। चलिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। चलिए सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बताएंगे लघु त्रिज्या खंड का नामकरण क्या होगा, नाम क्या होगा। चलिए चार बच्चे बताएंगे सारे बच्चे लघु त्रिज्या खंड का नाम क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड का नाम क्या होगा। बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया। देखिए लघु त्रिज्या खंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लघु त्रिज्या खंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए ओ बी डी और ए ओ बी डी और ए मान लीजिए, तो ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड। क्या हो गया? लघु त्रिज्या खंड, ए ओ बी डी ए, या और क्या बोल सकते हैं, बी ओ ए डी बी, ठीक है, ए ओ बी डी ए, ये हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड। चलिए इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ ई, यहाँ क्या बोलता हूँ ई। अब बताइए दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा। बहुत बढ़िया, दीर्घ त्रिज्यखंड का नाम क्या होगा, ए, देखिए क्या होगा, ये होगा ए ओ बी और यहां से हो जाएगा ई और यहां से हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए ओ बी ई और ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। अगर ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया कि त्रिज्या खंड में लघु त्रिज्या खंड क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड क्या है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। चलिए तो आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहाँ देनी है? पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, त्रिज्या देखनी है, फिर उसके द्वारा बना त्रिज्या खंड निम्न है। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्या, फिर उसके द्वारा जो बना त्रिज्या खंड है उसको देखिए, ठीक है। जल्द जल्द इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देनी है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, दिए गए वृत्त की त्रिज्याएं और उसके द्वारा बना त्रिज्या खंड निम्न है कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, त्रिज्या देखनी है, कौन कौन सी त्रिज्या है, फिर आपको देखना है उससे बना त्रिज्या खंड कौन कौन सी है। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, तब तक सारे बच्चे क्या उत्तर करेंगे, सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन जाकर उत्तर करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है त्रिज्या, क्या देखना है त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या क्या हो गई, ये हो गई त्रिज्या। देखने में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटर, केंद्र, और केंद्र से वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो एक त्रिज्या हो गई आपकी, सबसे पहले त्रिज्या देख लेते हैं, एक त्रिज्या हो गई आपकी एओ, दूसरा त्रिज्या क्या हो गई ओ बी, दूसरा त्रिज्या क्या हो गई ओ बी, तो पहला त्रिज्या हो गई। अब देखिए ये त्रिज्या हो गई, तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, चलते उससे पहले देखते हैं त्रिज्या खंड, इससे कौन कौन सा त्रिज्या खंड बन रहा है, इससे त्रिज्या खंड बन रहा है आपका ए ओ बी और क्या है सी
और क्या है ए। इसका त्रिज्या खंड कौन कौन सा हो गया, इसका त्रिज्या खंड हो गया, कौन कौन सा त्रिज्या खंड बनना इससे, ए ओ बी सी ए। और कौन सा त्रिज्या खंड बना, तो ये आपका लघु त्रिज्या खंड हो गया। लेकिन इसमें सिर्फ त्रिज्या खंड बोला है, तो हमें लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको त्रिज्या खंड से मतलब है। ठीक है, और भी एक इसके पास त्रिज्या खंड बन रहा है, वो कौन सा त्रिज्या खंड है, चलिए बताइए सर बच्चे, चार बक्स में बताएंगे। और भी एक इसके पास त्रिज्या खंड बन रहा है, वो कौन सा त्रिज्या खंड है, जल्दी बताएंगे चार बॉक्स में। और इसके पास कौन सा त्रिज्या खंड है, सारे बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में। चलिए मैं आपके लिए चार बॉक्स ऑन कर दिया हूँ, सारे बच्चे बताएंगे कि और कौन सा त्रिज्या खंड है इसके पास। देखिए, और इसके पास त्रिज्या खंड है ए ओ बी एफ ई डी, ए बोल दीजिए या कोई एक बिंदु लीजिए, एक बिंदु हो जाएगा ए ओ बी एफ डी, ए कुछ भी बोल दीजिए, मतलब एक कोई एक बिंदु ले सकते हैं या सारे बिंदु को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दीर्घ वृत्त का दीर्घ त्रिज्या खंड, ये भी आप एक त्रिज्या खंड ही है। ठीक है, तो ये होना चाहिए ऑप्शन में। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला, ए वो तो आपका त्रिज्या है, क्या डी त्रिज्या है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो गया। डी क्या त्रिज्या है, त्रिज्या में तो डी है नहीं, यानी ये गलत हो गया। चलिए एसी क्या त्रिज्या है, एसी तो त्रिज्या, एसी तो चाप है, यानी ये गलत हो गया। अब बच्चा ऑप्शन सी, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन सी। देखिए एओ और ओबी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब बच्चा त्रिज्या खंड, तो देखिए ए ओ बी सी ए, ये हो गया आपका त्रिज्या खंड। हाँ मतलब ये त्रिज्या खंड है, ये हो गया त्रिज्या खंड, मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक ये प्रश्न सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार बॉक्स में व्हाइट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप, वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, फिर मैंने पढ़ाया लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये तीन कंसेप्ट बहुत ही सरल कंसेप्ट थे और बहुत आसानी से आपको मैंने बढ़ा दिया। इसका नोट्स एकदम अच्छे से बनाना है और इस पे आधारित जो मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ उसको सभी बच्चों को जोर बनाना है, ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, आपकी होमवर्क नोट डाउन कराते हैं। आज का होमवर्क है प्रश्नावली 5.1, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, पहले चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ और मैं उल्टी गिनती काउंट करूंगा, और उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, चलिए 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 6.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्नवाली 7.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार प्रश्न वाली 7.1 का है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और क्वेश्चन नंबर 2, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इसी प्रकार कौन कौन सा पेज नंबर आपको इसमें नहीं है, देखिए 4.1 नहीं बनाना है, मैंने 4.1 पिछले कक्षा में बता दिया, 4.2 नहीं करना है और 8.1 नहीं करना है। आपको कौन सा करना है, आपको करना है प्रश्न वाली 5.1 जो कि पेज नंबर 94 में है, प्रश्न वाली 6.1 जो कि पेज नंबर 95 में है, प्रश्न वाली 7.1 जो कि पेज नंबर 96 में है। तो इन पेज का जो नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर दिया हुआ है, इन्हीं पेज नंबर वाले जो वर्कशीट में क्वेश्चन, जैसे प्रश्न वाली 5.1, प्रश्न वाली 6.1 और प्रश्न वाली 7.1, इन्हीं चैप्टर को आपको होम